हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक द्वारा वीडियो परीक्षा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, और एग्जाम एकदम नज़दीक है। अब तो कल से एग्जाम है, कल और परसों दो दिन एग्जाम होगा आप लोगों का, लेकिन आज आखिरी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं दोस्तों। जितना भी प्रैक्टिस सेट हो सका है हमने करवा दिया दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट लगे थे दोस्तों, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए। आज रात का टाइम है तो मैंने सोचा एक प्रैक्टिस सेट और हिंदी का करवा देते हैं दोस्तों। तो आज प्रैक्टिस नंबर 17 का हिंदी का सेक्शन देखेंगे दोस्तों, और आपको टेलीग्राम पर बाकी का मैं PDF भेज दूंगा, जो आपका बचा है प्रैक्टिस सेट वो भेज दूंगा। अगर आप कर सकते हैं रात में, जिनका 22 तारीख है वो कर लीजिएगा, और जिनका 23 तारीख को वो तो अच्छे से कल ही समय है उनके पास, वो कर सकते हैं बाकी के प्रैक्टिस सेट। लेकिन आज आखिरी प्रैक्टिस सेट है हमारा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों। अगर वीडियो हमारी पसंद है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो 24 तारीख से प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का स्टार्ट कर दूंगा मैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जैसे कि मैंने वीडियो की परीक्षा पंक्चुअलिटी के साथ में जो मैंने शेड्यूल दिया था उसी टाइम पर लाइव वीडियो मैंने कराया, ऐसे यूपी पुलिस की भी तैयारी एग्जाम के आते आते जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा मैं प्रोवाइड करूँगा आपको दोस्तों। हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाए, वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हिंदी का पहला क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस नंबर 17 है। बाकी के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेस पर जाइए, वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ही यहाँ पर अवधी, ठीक है। बाकी राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये सारे सौर सैनी अपभ्रंश से हैं, बाकी अवधी नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है चार में से आपको बताना है, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी से ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वडम्ब का संध विच्छेद होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है दोस्तों। और जिन लोगों का कल पेपर है दोस्तों उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, सुबह वाले वीडियो में मैंने कहा था दोस्तों, आप लोग जब पेपर देके आइएगा तो जितना भी आपको क्वेश्चन याद है दोस्तों या टॉपिक अगर याद है तो प्लीज़ एक पेज में लिख के हमें मेल कर दीजिएगा। मेरा मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, studywithme466@gmail.com आपको मिल जाएगा, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा हमारा ईमेल। तो आप प्लीज़ हमें एक कॉपी पर लिख के जो भी आपको याद रहे प्रश्न हिंदी का सेक्शन डाल लीजिएगा, उसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन याद हैं आपको या टॉपिक याद हैं तो ऐसे ही सारे हिंदी रीजनिंग और जीके का लिख के आप भेज दीजिएगा, पेज में मेल कर दीजिएगा हमें दोस्तों, ताकि हम आगे की गाइड कर सकें लोगों को जो 23 तारीख को पेपर देने जाएंगे दोस्तों, इतना जरूर कीजिएगा हमारे लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से यहां पर, वाक् धनमय बराबर वडम्ब का सही संधि विच्छेद है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निश्चल में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जल्दी दीजिए आप लोग, निश्चल में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही, विसर्ग संधि है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। चार ऑप्शन आपको दिया गया, कौन सी अशुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, महात्म जो लिखा है ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो यहां पर शुद्ध वर्तनी पहचानना है, चार में से कौन सी शुद्ध है। आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो के एंड में जरूर बताना कि टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं दोस्तों आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही यहां पर, वाल्मीकि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 7 से 9 तक पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने, तो ये पद्यांश को हम स्किप करेंगे दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न देख लेंगे, हो सकता है हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात इसका अर्थ बताना है आपको। तो 7 नंबर का जो सही उत्तर है यहाँ पर वो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उनके सम्मान का दिखावा करता है सिर्फ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, अज्ञान, दुख व अराजकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से, गद्यांश वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कवि उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब, डैश आगे बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो इस तरीके से आपका गद्यांश वाला पद्यांश का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, अल्प विराम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है दूसरा, ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा शब्द अरबी भाषा का शब्द है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है गरीब, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो 13 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, तूफान ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम ये बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि एकवांश बना वाक्यांश बनाते हैं, जैसे जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, तो जो होगा सो देखा जाएगा, तो ये दो दोनों जो और सो होगा देखा जाएगा, इन दोनों पंक्तियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी संबंध व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही है संबंधवाचक का जो और सो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 15 नंबर का राइट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, नारी का बहुवचन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए, नारी का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नारियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप इसको अच्छे से क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर रही सही रहेगा। 17 नंबर का राइट आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैंने पहले भी बताया है कि अपदान कारक और करण कारक में जो आपकी विभक्ति होती है वो से ही पहचाना जाता है, लेकिन जो अपदान होता है वो अलगाव होता है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा जब निकलती है तो दूर जाती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से बंदर नीचे कूदा, ठीक है, ये सारे आपके अवदान कारक हैं, ठीक है, किसी चीज के द्वारा किया जाने वाला कार्य करण होगा, ठीक है वहां पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया है। चार ऑप्शन दिया गया, बताइए क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट भी करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको अब तक सपोर्ट करते आए हैं, जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है दोस्तों, तब से लेके अब तक मैंने जितना ज़्यादा हो सका एक बुक कंप्लीट करा दिया है पूरा, ये भी बुक ज़्यादा ज़्यादा समझ लीजिए खत्म ही हो गया, मैंने पूरा 20 सेट से 17 सेट करवा दिए इसमें से। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से, यौगिक क्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वह क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक है, जो जब जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, जैसे कि कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर तुम मेरे घर आओ तो मैं तुम्हारे घर आऊं, ठीक है, तुम परीक्षा देने जाओ तो मैं भी साथ में चलूं, इस तरीके से जो भी आप कुछ भी बना सकते हैं इस पे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, बताइए इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। वेरी इजी क्वेश्चन, वर्णमाला पे आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, या रा लावा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी, ऑप्शन डी यहां पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिया गया, इसमें तत्सम शब्द पहचानना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, स्वर्ण।
ये तत्सम शब्द है आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, गीता ने आम खाया है, वाक में कौन सा काल है, ये बताना है। 23 का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, आसन्न भूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थानवाचक अवयव है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से, यहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, यथासंभव में कौन सा अवयव है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन आपको यहां दिख रहे हैं और इसी में सही आंसर है। चलिए दो ऑप्शन में ही दीजिए, आप लोग क्लिक कीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये यथासंभव में कौन सा अवयव था, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा तद्भव है आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, अम्मीय, ये आपका तद्भव होता है, लगता सिर्फ तत्सम की तरह है, डेली भाषा में यूज नहीं होता है, लेकिन ये तद्भव शब्द होता है, अपवाद टाइप का जैसे है समझ लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, बताइए कौन सा वाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से, ये अन यहां पर लगा है प्रत्यय। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिए। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा शब्द बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी से, ये वैचारिक। आई होप आप लोग आंसर कर रहे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, सारा राज उसके लिए थाती था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी से, ये विपन्न। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा असंगत है, नहीं आपका मिलान यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा असंगत है ये बताना है। तो यहाँ पर जो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला आपको एकदम सही लग रहा होगा कि जिज्ञासा ही कहेंगे, लेकिन नहीं, जिज्ञासु उसको कहते हैं। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ना कि जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। सिर्फ जानने की इच्छा रखने वाला शब्द आ गया तो वहां पर जिज्ञासु शब्द आएगा, तो यही छोटी छोटी गलतियां आपको पकड़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से रासभ किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। दोस्तों जितने लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपने साथी को जरूर बताना दोस्तों कि यूपी पुलिस की तैयारी हमारे चैनल पे होने वाली है, बस स्टार्ट 24 तारीख से। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी से, ये है गधा। ठीक है, ये आपका पर्यायवाची होता है रासभ का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष विशेषण नहीं है, चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर है ऑप्शन यहां पर जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, प्राची, ये आपका विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्त संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा युक्त संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो यहाँ पर 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी से, ये जड़ स्थावार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए 36 देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, धीरे धीरे में कौन सा समास है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर दीजिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी सही है, वही भाव समास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है,
किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर दीजिए। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी से यहाँ पर दीर्घ समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा है क्या है? संज्ञा उपवाचक है, उपवाक है, या विशेषण उपवाक है, क्रिया विशेषण उपवाक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर करिए आप लोग 38 नंबर का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए से, ये संज्ञा उपवाक है, मैं पढ़ूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से हो जाएगा, संभावनार्थक वृत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य है? 40 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, हम खा चुके, ये विधिवाचक वाक्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर करिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, यह काम आप पर निर्भर करता है, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर है, सभी ने सही आंसर दिया है। देखिए, ऑप्शन डी यहां पर सही है, क्योंकि अनिल जो होता है वो पर्यायवाची हवा का होता है, वायु का होता है, ठीक है, और इसका जो पर्यायवाची अनल होता है, ठीक है, अगर अनल होता तो वो सही होता, आग का पर्यायवाची अनल होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है अनल और अनिल में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर दीजिए, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है ये बताना है, यानी कि अनेकार्थी शब्द से आपको बताना है कि अमृत का कौन सा नहीं है। तो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी से, ये ब्रह्मा अमृत का अर्थ नहीं है देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्नलिखित में से युक्त विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या है? तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से हो जाएगा, तिमिर प्रकाश, ठीक है, ये सही है, तिमिर अंधियाला का होता है, प्रकाश आपका उजाला का हो जाएगा, रोशनी का। तो 45 नंबर देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शब्द युग्म अभिराम अविराम के अर्थ क्रमशः हैं, बताइए। तो 45 के दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इन्हीं दो में से आपको आंसर चूज करना है, इसी में राइट आंसर भी है। तो जल्दी से कमेंट करिए 45 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें तो और आसानी होनी चाहिए आपको सिलेक्ट करने में। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सुंदर लगातार, ठीक है, एक का होता है विराम का सुंदर और एक का विराम का मतलब लगातार, ठीक है, बिना विराम के लगातार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, कुंडलियाँ किन दो छंदों से मिलकर बनती है? बताइए, 46 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए से हो जाएगा, दोहा तथा रोला से मिलकर कुंडलियां बनती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी से, ये सीमित ज्ञान का अनुभव होना, ठीक है, कूप मंडूक होना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है बताना है, 48 का राइट आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, 33 होती है संचारी भावों की संख्या। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया, कायाकल्प, रंगभूमि, ध्रुव स्वामिनी, गोदान। तो इन चारों में से कौन सा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? 49 का सही उत्तर दीजिए। देखिए, 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ध्रुव स्वामिनी ये प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी कायाकल्प, रंगभूमि और गोदान ये सारी काफ़ी उनकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं, तो इनको याद रखिए, तीन चीज़ें आपको याद हो गई कि प्रेमचंद की, तो ये तीन ही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, क्रिया की पूर्णता और नित्यता या समानता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 50 का उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, पक्ष,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस नंबर 17 तक कंप्लीट हुआ दोस्तों। बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, आप उसकी चिंता ना कीजिए। मैं अभी जब मैं वीडियो पब्लिश होने के बाद जस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे बाकी के प्रैक्टिस सेट सेंड कर दूंगा पीडीएफ फाइल में, ठीक है। आप अगर जिन लोगों का 22 तारीख को है सुबह, तो वो भी शाम रात में कर सकते हैं, एक दो प्रैक्टिस सेट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी 23 तारीख को जिसको, उसको तो कल टाइम ही रहेगा पूरा, आराम से वो 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने ज्वाइन ना किया वो ज्वाइन कर लें, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रखा है पहले से, तो उनको मिली जाएगा। और जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब 24 तारीख को ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट था आज, काफी दिन से मैं कम से कम 20-25 दिन से लगातार कंटिन्यूअसली करा रहा हूं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट खत्म करवा दिया था, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, और जहां तक है आखिरी तक खत्म ही कर दिया है। 3 प्रैक्टिस सेट बचे हैं क्योंकि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट थे, वरना वो भी खत्म हो जाते दोस्तों। तो इस तरीके से एक पंक्चुअलिटी, एक पंक्चुअल होने होते हुए मैंने, मेरी तबीयत भी बीच में खराब थी लेकिन फिर भी मैंने एक भी प्रैक्टिस सेट आपका मिस नहीं किया दोस्तों। और आगे भी ऐसे ही आपकी मदद करता रहूंगा दोस्तों, सपोर्ट करता रहूंगा, बस आप लोगों की थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली किसी भी परिस्थिति में वीडियो बनाने की और आप लोगों को कंटेंट अवेलेबल कराने की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो, इतने दिन से जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट करवाया, थोड़ा सा भी अगर लाभ हुआ हो आपको, ठीक है, मदद मिली हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का 22 तारीख का पेपर है वो प्लीज जब पेपर देके आप आइए घर पे, तो जो भी आपको क्वेश्चन याद है एक पेपर में लिख के सेक्शन वाइज की हिंदी डालिएगा, उसके बाद हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं उसको लिख दीजिएगा आप दोस्तों नंबर डाल के, या नहीं है नंबर क्वेश्चन नहीं याद आ रहा तो आप टॉपिक से लिख दीजिए। अगर टॉपिक याद आ रहा है कि इस टॉपिक से पूछा गया था तो टॉपिक लिख दीजिए। ऐसे ही 3 सेक्शन यानी जीके, हिंदी और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन या टॉपिक याद है आप लिख के फोटो खींच के हमें मेल कर दीजिएगा, मेल हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ स्टडी स्मॉल लेटर में रहेगा सारा, स्टडी विथ मी 466@gmail.com पे मेल कर देना दोस्तों। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी क्योंकि आगे जो 23 तारीख को पेपर है मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर दूंगा दोस्तों को, बाकी जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आया था दोस्तों। तो इतना काम जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जिन लोगों का कल पेपर है दोस्तों, तो थोड़ी देर बात कर लेते हैं। देखिए जिन लोगों का कल पेपर है वो लोग प्लीज़ अपना एक आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ हो उनके पास, ठीक है, पहचान पत्र या वोटर आईडी या आधार कार्ड, उसका ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, और एक फ़ोटो कॉपी साथ में, और दो फोटो, जो फोटो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम में लगाया तो वही फोटो आप उसका दो फोटो रख लीजिए, उसके पीछे अपना नाम फोटो के और रोल नंबर लिख लीजिए और इसको आप रख लीजिए। वहाँ पर बायोमेट्रिक जब होगा आपको तो यार ये चीज़ें मांगी जाएंगी क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी जो एडमिट कार्ड आए उसमें इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, तो ये चीज़ें शायद आप लोगों ने ना पढ़ी हो तो मैंने सोचा बता दें, ठीक है, गलती हो जाएगी तो शायद आपको परीक्षा में सम्मिलित ना होना पड़े मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी, दो फोटो जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था उसकी दो फोटो, पीछे रोल नंबर और नेम लिख लीजिएगा अपना, इतना चीज़ लेके जाना। और परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंचना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। आप जैसा कि आपका अगर आपकी सिटी में है या पड़ोस में है तो आप उस हिसाब से निकलिएगा घर से कि 2 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ गेट के बाहर, और ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि हमारा ही एग्ज़ाम सेंटर है या किसी और का, ताकि बाद में पता चले कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, फिर तो फिर क्या होगा आप ही जानते हैं फिर। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी आप लोगों की, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सही जाते थे दोस्तों। तो मेरे तरफ से मैं आखिरी सब यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक और हिम्मत करके जाइए, डरिएगा बिल्कुल मत और एकदम अच्छे से पेपर करके आइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट में, जो यूपी पुलिस के छात्र देख रहे हो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो के ऊपर छाती जो है वो आगे जो नई वैकेंसी आएगी ऐसे प्रैक्टिस सेट हम करवाते रहेंगे, तो हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर सपोर्ट, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।